आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की छत्तीसगढ़ पुलिस की प्रशंसा, छत्तीसगढ़ में 90% पुलिस स्टेशन ऑनलाइन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खुला अमित शाह और मोदी के खिलाफ मोर्चा, कहा दोनों नेता झूठ बोलते। सागर में जलाए गए दलित युवक धन प्रसाद की मौत, बीजेपी ने लगाए कमलनाथ सरकार पर आरोप। किसान ने गाया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए गाना, मामा शिवराज तुमको आना पड़ेगा। और अभिनेत्री कंगना रनौत की मां, निर्भया के दोषियों को चौराहे पर फांसी दी जाए। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में पुलिस की सीसीटीएनएस व्यवस्था की प्रशंसा की है। दिल्ली से प्रधानमंत्री प्रगति पोर्टल की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा कर रहे थे। मोदी ने क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क एंड सिस्टम्स समीक्षा के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल से बात की। इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि छत्तीसगढ़ में 90% पुलिस स्टेशनों को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस पर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के इस व्यवस्था की प्रशंसा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 446 पुलिस थाने हैं। इस पुलिस थानों को कंप्यूटराइज्ड करके 446 में से 437 को ऑनलाइन किया जा चुका है। इसमें से 9 थाना पहुंच विहीन क्षेत्र में हैं, जिसमें से 4 इस महीने में ऑनलाइन हो जाएंगे। राज्य में 27,000 पुलिस कर्मियों में से 26,500 पुलिस कर्मियों को क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क एंड सिस्टम के अंतर्गत ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री ने इस पूरी व्यवस्था को जाना और छत्तीसगढ़ पुलिस के इस प्रयास की प्रशंसा की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सीसीटीएनएस से प्रदेश के थानों में दर्ज होने वाले अपराध को ऑनलाइन करने की व्यवस्था की है। सिटीजन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपराध की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। इससे न केवल पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता आएगी, वहीं आम आदमी को आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी के लिए पुलिस स्टेशन का चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी। कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा सीए की आवश्यकता क्या थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रवाद का मापदंड सही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत के संविधान की मूल भावना सोशल जस्टिस की है, समान अधिकार की है, हर धर्म और हर जात के लिए है। सीए की आवश्यकता क्या थी, केंद्र किसको नागरिकता दे, ये अधिकार है। ये कानून इसलिए लाए हैं कि इन्हें देश के अल्पसंख्यकों को डराना है। एनआरसी को असम में लागू कर गलती हुई, फिर देश में लागू करने की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और खुद झूठ बोलते हैं और इस बात को दावे से बोल रहा हूं कि देश का हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई राष्ट्रभक्त है। भाजपा के राष्ट्रवाद का मापदंड सही नहीं है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश का हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई राष्ट्रभक्त है, लेकिन जो मापदंड आप लोगों ने तय किए हुए हैं, मेरा सीधा आरोप अमित शाह जी पर है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर है, कि आपका जो मापदंड है राष्ट्रभक्ति का और देशद्रोही का, वो दूषित है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा मोदी सरकार में इंटेलिजेंस फेलियर की जांच नहीं होती है। आज के समय एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। देश के सभी धर्म के लोगों ने आजादी दिलाई, देश की अनेकता में एकता देश की पहचान है, जिसे मोदी शाह बिगाड़ रहे हैं। आज देश का अल्पसंख्यक डरा हुआ है, वो राजनीतिक दल और पुलिस से निराश है, वो अदालत की तरफ देख रहा है। आज देश के लोगों में इसको लेकर रोष है। सीए के खिलाफ आज पूरा आंदोलन महिलाओं और बच्चों के हाथ में चला गया है। मैं इसके खिलाफ प्रदेश में दौरा करूंगा, देश में सनातनी परंपरा को जिंदा रखा जाएगा। हम लोग प्रदेश में दौरा करेंगे और भी जो लोग जो बुनियादी तौर से
सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखते हैं, हम लोग जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और हिंदू मुसलमान एकता के लिए जी जान लगाएंगे, उसी तरह से जिस तरह से महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ाई लड़ी थी। हम चिंता नहीं करते, हो सकता हम पर हमला भी हो, हम फिक्र नहीं करते, लेकिन इस देश में सनातनी परंपराओं को कायम रखा जाएगा और सनातनी परंपरा है गंगा जमनी संस्कृति संस्कार, हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई सब एक भाई भाई, यही परंपरा से इस देश की अनेकता की एकता ही सबसे शक्ति है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सागर के दलित युवक धनप्रसाद की मौत के लिए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भार्गव ने कहा, अगर सरकार चाहती तो युवक की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा वोटों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के कारण एक वर्ग विशेष पर कार्रवाई न करना दुखद है। सागर के दलित युवक धनप्रसाद अहिरवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इन सब के लिए कमलनाथ सरकार को दोषी ठहराया है। गोपाल भार्गव ने कहा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन की लापरवाही ने सागर के दलित युवक धनप्रसाद अहिरवार की जान ले ली। समय रहते कमलनाथ सरकार अगर दलित युवक की सुध ले लेती तो आज उस युवक की जान बचाई जा सकती थी। भार्गव ने कहा, वोटों के तुष्टीकरण के कारण एक विशेष वर्ग पर कार्रवाई न किया जाना दुखद है। उन्होंने मृतक युवक के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। आज सागर के 24 वर्षीय उस दलित युवक धन प्रसाद अहिरवार की मृत्यु हो गई, जिसको मिट्टी का तेल डाल के, केरोसिन डाल के कुछ दबंगों ने जलाने की कोशिश की थी, मारने की कोशिश की थी और जीवन मौत के साथ संघर्ष कर रहा था। प्रशासन और शासन ने किसी प्रकार की उसकी मदद की शुरुआत में कोई कोशिश नहीं की। सागर में जब वह मेडिकल हॉस्पिटल में था तब मैंने फ़ोन करके कहा इसको भोपाल शिफ्ट करो। जब वो भोपाल आया तो मैं भोपाल उसको हमीदिया अस्पताल देखने के लिए गया अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, उसके पिताजी से ही मिला, पीड़ित व्यक्ति से ही मिला, लेकिन मुझे संतुष्टि नज़र नहीं आई। जो कुछ थोड़ी बहुत मैं सहायता कर सकता था मैंने करने की कोशिश की। इस सब के बावजूद भी शासन और प्रशासन लापरवाह बना रहा। मैंने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी प्रेस के साथियों को, मीडिया को भी इस घटना की जानकारी दी, लेकिन मुझे कहते हुए दुख है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी और सरकार को आगाह करने के बावजूद भी उस दलित युवक के लिए बचाया नहीं जा सका। इसमें सरकार की, शासन की, प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही है। दलित युवक के परिवार पोषण के लिए उसको परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी की व्यवस्था और समुचित उसको आर्थिक सहायता भी दी जाए। हालांकि इससे कोई व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता, लेकिन यह एक प्रकार से उनके लिए तात्कालिक राहत होगी। गौरतलब है कि दलित युवक का सागर में अपने पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था। मृत युवक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि आरोपी राजीनामा करने के लिए उन पर दबाव बना रहे थे। आरोपियों ने उसके परिवार के साथ मारपीट करते हुए धनप्रसाद को घेर लिया था और उसे आग लगा दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं और SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया था। CM कमलनाथ ने ट्वीट कर धनप्रसाद अहिरवार की मृत्यु पर परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है और परिवार को हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसान खुश थे, लेकिन सरकार का एक साल बीतने के बाद किसान और गरीब अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। एक बार फिर एक किसान का गीत वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहा है, मामा शिवराज तुमको आना पड़ेगा, बंद योजनाएं सारी चलाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में गरीब किसान परेशान थे और उन्होंने बहुत छोटे से अंतर से सत्ता की चाबी कांग्रेस को सौंप दी। कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और हर किसान का कागजों पर 2 लाख का कर्ज माफ कर दिया गया। गरीब और किसान के लिए बड़े बड़े दावे और वादे किए गए। सबको लग रहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी की विदाई और कांग्रेस और कमलनाथ की अगुवाई में सबसे निचले तबके को सबसे पहले लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कर्ज माफी का मामला तमाम खामियों में फंस गया। अब तक किसान का ना तो 2 लाख का कर्ज माफ हुआ और ना गरीब गुरबों के लिए कोई योजना धरातल पे आई।
जो योजनाएं चल रही थी वो और बंद हो गईं। ऐसे में किसान अलग अलग तरह से अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे हैं। अब फिर एक परेशान किसान का गीत सामने आया है जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ से कोई शिकायत नहीं है, मगर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा जा रहा है कि मामा शिवराज तुमको आना पड़ेगा, बंद योजनाएं सारी चलाना पड़ेगा। ओ मामा शिवराज तुमको आना पड़ेगा, बंद योजनाएं सारी, बंद योजनाएं सारी चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। मामा शिवराज तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। न बोनस समर्थन, न कर्जा की माफी, बड़ी हो रही है ना इंसाफी। न बोनस समर्थन, न कर्जा की माफी, बड़ी हो रही है ना इंसाफी। हो किसानों का हक ही तुमको दिलाना पड़ेगा, दिलाना पड़ेगा। बंद योजनाएं सारी, बंद योजनाएं सारी चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। मामा शिवराज तुमको आना पड़ेगा, हो आना पड़ेगा। इस गीत को गाने वाले किसान का नाम अनूप दुबे है और यह देवास के खातेगांव इलाके के मंडलेश्वर गांव का रहने वाला बताया जाता है। अनूप अपने खेतों पर से ही किसानों की समस्याओं और उनके दुख दर्द को गीतों के जरिए सबके सामने लाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से निवेदन करते हुए एक गीत वायरल किया था, जिसके जरिए पहली बार मध्य प्रदेश के किसानों की पीड़ा आम लोगों तक पहुंची थी। यह सब जाहिर करता है कि भोपाल में बैठे अफसर और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता जो कहते हैं और बताते हैं, मैदानी हकीकत ठीक इसके विपरीत है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान को सरकार का शोक गीत नहीं गाना पड़ता। पूर्व राज्य मंत्री बद्री लाल यादव के कलेक्टर निधि निवेदिता के खिलाफ दिए विवादित बयान के बाद राजगढ़ में एक दर्जन से अधिक कर्मचारी संघ के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। संघ ने इस दौरान काम ना करने की घोषणा की है। राजगढ़ में कलेक्टर निधि निवेदिता के थप्पड़ कांड पर विवादित टिप्पणी से नाराज कर्मचारी संगठन ने पूर्व राज्य मंत्री बद्री लाल यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी संघ ने कलम बंद कर हड़ताल की घोषणा की, साथ ही काली पट्टी बांध कर विरोध जताया है। जिले के पटवारी संघ, आरआई संघ, नगर पालिका कर्मचारी संघ, जिले के सीएमओ, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित आदि संघ हड़ताल पर चले गए हैं। गौरतलब है कि राजगढ़ में सीए का समर्थन कर रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस और प्रशासन द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर निधि निवेदिता पर कार्रवाई को लेकर भाजपा ने सभा का आयोजन किया था, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव ने कलेक्टर महिला के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिससे राजगढ़ जिले के कर्मचारी और अधिकारी खासे नाराज हैं। मैं ये पर्सनली सोचती हूँ कि जब एक कलेक्टर के पद पे बैठी महिला के लिए कोई अभद्र बात राजगढ़ जिले में करता है, तो कल को क्या ऐसे जिले में मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, जो कि उनसे काफी छोटे पद पे है, सुरक्षित है या नहीं रहेगी। इसलिए आज इस मंच से मैं आप सबका आह्वान करती हूँ कि मेरे साथ में हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के सम्मान की रक्षा के लिए आप इसका पुरजोर विरोध करें और जो भी इसके लिए दोषी लोग हैं उन पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए हमारे साथ एक जो लंबा आंदोलन है, लगातार आंदोलन है, उसमें हमारा हम महिलाओं का साथ दे। धन्यवाद। कमलनाथ जी, आपकी सरकार के मंत्रियों को हो क्या गया है? कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, सब बस दुत्कार रहे हैं, जैसे सबने मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बना ली हो कि बस सुनना नहीं है, सिर्फ दुत्कारना है। मंत्री जीतू पटवारी सांसद को दुत्कारते हैं,
अपने कार्यकर्ताओं को धुतकारते हैं। मंत्री पीसी शर्मा भी पीछे नहीं है, वो भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धुतकारते हैं। और बिल्कुल ताजा मामला आपके मंत्री कमलेश्वर पटेल का है, जो एक महिला को धुतकार रहे हैं। जरा संभलिए कमलनाथ जी, कहीं जनता और ये सब मिलकर आपकी सरकार को ना धुतकार दे। कमलनाथ जी, ये सब ठीक नहीं है, जरा अपने मंत्रियों को समझाइए। वे मंत्री हैं, खुदा नहीं है, उन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, उनका अवतरण नहीं हुआ है। क्योंकि जैसा गुस्सा आजकल मंत्रियों को आता है, अगर जनता को आ गया तो मंत्री जी की कुर्सी ही खिसक जाएगी। जब 15 साल से राज कर रही सरकार नहीं टिक पाई तो आपको तो बस एक साल ही हुआ है। ये कैसे जनसेवक हैं जिन्हें जनता ही पसंद नहीं? क्या सत्ता का नशा इतना सर चढ़ गया है कि उन्हें अपने आसपास कैमरे भी दिखाई नहीं देते हैं? आपके मंत्री कमलेश्वर पटेल ने तो हद ही कर दी। अपनी ही पत्रकार वार्ता में मदद मांगने आई रोती बिलखती महिला को खुद ही धक्के देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह सत्ता का नशा नहीं तो क्या है? के बाहर कर सकता हूँ, सांसद हूँ यहाँ, सांसद है तो आप देवास की जनता की आवाज उठाने के लिए बैठा हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां पर पत्रकार वार्ता के दौरान उनसे मिलने एक महिला पहुंची। रोती बिलखती वो मदद की गुहार लगा रही थी, मगर बजाय मदद के मंत्री ने उसे धक्के देकर कक्ष से बाहर निकाल दिया। आपको बता दें कि यह महिला मुन्नी पटेल रीवा नगर निगम में माली के पद पर पदस्थ है। इसका आरोप है कि निगम अधिकारी के द्वारा इसे प्रताड़ित किया जा रहा है और अधिकारी के द्वारा इसकी तनख्वाह रोक दी गई है, जिसकी शिकायत को लेकर आज महिला मंत्री के पास पहुंची और तब मंत्री ने उसकी समस्याओं को सुने बगैर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि मंत्री ने महिला से बाद में मिलने को कहा, परंतु बाद में मंत्री जी कहां मिलते हैं, किनारा करके निकल गए और महिला को अनदेखा कर दिया। हालांकि महिला ने पूर्व में भी मंत्री से मुलाकात की थी, जिस पर उन्होंने समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया था, मगर अब तक उसकी समस्या का निराकरण नहीं हो सका और उसी को लेकर वो महिला आज फिर मंत्री के पास पहुंची थी। हमारी समस्या अभी हम 4.5 साल तक अरुण मिश्रा के यहाँ खाना बनाए, फिर इनकी लड़की और ये गाली गलौज किए, हमेशा आते थे राउंड से तो हराम खोर नालायक बेवकूफ़ ये महिला ऐसे करती, चुपचाप सही लेते थे, कुछ नहीं बोलते थे। फिर ये हमको 21 अप्रैल को आए राउंड से तो सवेरे भी गाली दिए और फिर 12 बजे ये पूजा करते थे, पूजा की बाल्टी लेने आए रसोई में हमको इतना गंदा गाली दिए कि अब हम क्या बताएं। और फिर उसके बाद हम जब से गाली दिए तब से हम रोते गए, फिर शाम के भी खाना बनाने गए। फिर उस दिन हनुमान जयंती थी, हनुमान जयंती में वो पार्क में गए और ऐसे रोते तो संजय दादा कहे काहे रो रहे मुन्नी, तो हम बताएं दादा ऐसे ऐसे हाल ही, अब कल से मर जाब तो मर जाब, अब कल से हम का इज्जत बेच के हम अपन काम करब, हमारी तनख्वाह रोक ली गई है अरुण मिश्रा के द्वारा। ये संपत्ति अधिकारी है या आइए समय सभा जीत या सर के प्रभार पाए, मंत्री जी बोले हो रहा काम हो रहा, बस मंत्री जी आई उस दिन भी रविवार को बोले हो रहा काम, एक थे मेरा काम नहीं हुआ। अब हम मैं इतनी परेशान हूँ कि हम लगता है आत्महत्या कर। कहने को तो सरगुजा के राजा हैं, मगर जाने जाते हैं अपनी सहजता और सरलता के लिए। छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय नेता, सबके चहेते टीएस सिंहदेव, उनकी खासियत है जो भी जैसे भी रूप में उनसे मिलने आता है वो उसकी सहजता के लिए वैसे ही हो जाते हैं। वे कभी बच्चों के संग पिट्ठू खेलते दिखते हैं और तो कभी महिलाओं की समस्याएं सुनने के लिए उनके साथ जमीन पर ही बैठ जाते हैं। पद और सत्ता हासिल होते ही नेताओं की चाल ढाल भाषा बदल जाती है, वे जनता को प्रजा और खुद को राजा समझने लगते हैं। मगर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का व्यवहार इसके बिल्कुल उलट है। वे सरगुजा के राजा हैं, लोग उन्हें बाबा साहब कहकर सम्मान देते हैं। वे सबसे लोकप्रिय और चहेते नेता हैं, मगर इसलिए नहीं कि वे राजा हैं, बल्कि इसलिए कि वे बेहद सहज हैं, बेहद साधारण और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। वे जहां जाते हैं वहां उनका एक अलग व्यक्तित्व देखने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले उनका पिट्ठू खेलते हुए वीडियो खूब वायरल हुआ था। वे स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वस्थ भी हैं, दौड़ते हैं, साइकिल भी चलाते हैं। अभी हाल ही में
जब टीएस सिंहदेव के बंगले पर कुछ महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर नीचे बैठी उनका इंतजार कर रही थी, जैसे ही उनको इस बात की जानकारी मिली वे सभी औपचारिकताओं को नजरअंदाज करते हुए सीधे उनके पास चले गए। मंत्री जी को अपने बीच आया देखकर ये महिलाएं असहज होती इसके पहले ही टीएस सिंहदेव वहीं जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए और करीब एक घंटा उसी स्थान पर एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना। मंत्री ने वहीं अपने स्टाफ को बुलाया और इन महिलाओं की समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई को सही ठहराया है। दिग्विजय ने कहा, भाजपा के दो पूर्व विधायकों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इंटर कांग्रेस यूनियन के सम्मेलन में शामिल होने आयुध निर्माणी फैक्ट्री इटारसी पहुंचे। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा, पीएम मोदी और अमित शाह की हर धर्मिता को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राजगढ़ कलेक्टर द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई को दिग्विजय सिंह ने सही ठहराया और कहा कि भाजपा के पूर्व दो विधायकों पर 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने ये नहीं बताया कि कांग्रेस के कितने नेताओं पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। अकेले मध्य प्रदेश चुनाव में उम्मीदवारों के बारे में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव में खड़े 17% से ज्यादा प्रत्याशी दाखिल थे। चुनाव आयोग को दिए घोषणा पत्र की माने तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 48% दागियों को टिकट दिए थे। जिस प्रकार से 144 धाराओं का उल्लंघन करते हुए जो गुंडागर्दी हुई, दो पूर्व विधायक भाजपा मोहनलाल शर्मा और अमर सिंह यादव, दोनों के ऊपर 10 क्रिमिनल केसेस, उन लोगों ने बदतमीजी, ऐसे कम से कम 20 गुंडे हम लोग छांट चुके हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, लात मारी, बाल खींचे। अगर कोई गाली देगा महिला को, और वो भी महिला कलेक्टर को या एसडीएम गाली देगा, तो वो अगर उसने थप्पड़ मार दिया तो क्या बुरा किया। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सिंह ने कहा कि आरएसएस के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जनसंख्या गरीबी से जुड़ी हुई है। गरीब आदमी और गरीब परिवार के यहाँ हमेशा अधिक बच्चे मिलेंगे, पढ़े लिखों के यहाँ कम बच्चे मिलेंगे। उन्होंने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि केरल में मुसलमानों की संख्या काफ़ी है लेकिन वहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ रही, और बिहार और यूपी में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। दिग्विजय ने कहा कि आप पता लगा लो हिंदू के यहाँ ज़्यादा बच्चे हैं या मुसलमानों के यहाँ। आरएसएस के लोग जो हैं इस बात को भूल जाते हैं कि जनसंख्या गरीबी से जुड़ी हुई है। गरीब आदमी और गरीब परिवार के यहाँ आपको हमेशा अधिक बच्चे मिलेंगे, पढ़े लिखों के लिए यहाँ कम मिलेंगे। मैं उदाहरण केरला का आपको देता हूँ। यहाँ केरला में मुसलमानों की संख्या काफ़ी है लेकिन वहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, स्टैटिक। और बिहार और यूपी में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। आप इटारसी भी पता लगा लो, हिंदुओं के ज्यादा हैं बच्चे हैं कि मुसलमानों के यहाँ ज्यादा बच्चे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित प्रवीण सोमानी अपहरण कांड को सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। रायपुर पुलिस ने प्रवीण सोमानी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाकर सकुशल परिजनों के हवाले कर दिया है। प्रवीण को सकुशल घर लाने के लिए रायपुर पुलिस ने 10 लाख फोन कॉल और 1500 सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की, तब जाकर पुलिस उन्हें उत्तर प्रदेश से छुड़ाने में सफल हुई है। प्रवीण सोमानी अपहरण को सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस कप्तान का कहना था कि अपहरणकर्ता काफी शातिर थे, इसीलिए फूंक-फूंक कर कदम रखना पड़ रहा था। डीजीपी और डीएम अवस्थी ने बताया कि 8 जनवरी को प्रवीण सोमानी का सिलतरा क्षेत्र से अपहरण हुआ। इस घटना से प्रदेश भर में सनसनी फैल गई थी। अपहरणकर्ता
तक पहुंचने के लिए रायपुर से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले रास्तों के करीब 1500 सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने खंगाले। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, टोल नाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। 10 लाख फोन कॉल को 4 दिन तक लगातार खंगाला गया। सीसीटीवी कैमरे से पुलिस क्लू मिलता गया, उसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत उत्तर प्रदेश के लिए रवाना कर दी गई। इनके जो साथी है, इन्होंने जितनी प्रोफेशनल ढंग से, कभी हम लोग दिल्ली और बम्बई पुलिस को काम करते आपने भी सुना होगा, देखा होगा, उससे कहीं कम ये काम नहीं था। जो सरगना था उसका नाम पप्पू चौधरी है और उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने अलग अलग स्टेशन और एयरपोर्ट के करीब 2000 ट्रेन के टिकट तथा 1500 फ्लाइट के टिकट की जाँच की। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोंदे कला निवासी अनिल चौधरी का क्लू मिला, उसके बाद पुलिस को सुमानी को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाने में सफलता मिली। अपहरणकर्ता इतने शातिर हैं कि एक बार फोन करने के बाद दोबारा उस सिम का इस्तेमाल नहीं करते थे, वह सिम तोड़कर फेंक देते थे, इसके चलते पुलिस को क्लू नहीं मिल पा रहा था। सिंगरौली में पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर ने पुलिस के यातायात कैंपेन की तारीफ की और शहर की स्वच्छता को लेकर नगर निगम कमिश्नर की प्रशंसा की। सिंगरौली में पुलिस महानिरीक्षक रीवा संभाग चंचल शेखर की अध्यक्षता में जागरूकता को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक ने गत सप्ताह सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2020 में यातायात पुलिस द्वारा किए गए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का फोटोग्राफ से जायजा किया। आईजी ने प्रतिदिन के कार्यक्रम की गतिविधियों का सिलसिलेवार निरीक्षण किया। मीटिंग में आईजी ने चलित एलईडी वैन में रोड सेफ्टी से संबंधित वीडियो भी देखे और जिला पुलिस और ट्रैफिक द्वारा चलाए जा रहे यातायात कैंपेन की प्रशंसा की। आईजी शेखर शहर में स्वच्छता को लेकर नगर निगम कमिश्नर के आग्रह पर नगर निगम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता की तारीफ की और इसके लिए कमिश्नर को बधाई दी। बिजली बिल की वसूली करने वाले बिजली कर्मचारियों को एसएएफ के जवान उपलब्ध कराए गए हैं। पूर्व में हुई घटनाओं को लेकर कंपनी ने यह कदम उठाया है। अब बिजली वितरण कंपनी बंदूक के साय में बिलों की वसूली करवा रही है। बिजली के बिल की वसूली के लिए गंजबसोदा क्षेत्र के गांव में जाने वाले कर्मचारियों से अक्सर अभद्रता, मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। इसी को देखते हुए बिजली कंपनी ने वसूली टीम के साथ बंदूकधारी जवान तैनात किए हैं ताकि कर्मचारियों के साथ कोई वारदात न हो। कंपनी को गंजबसोदा संभाग में करीब 1.08 अरब रुपए के बिल वसूलना है। बीते एक माह में 1.81 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। कंपनी ने 3 टीमें बनाई हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वसूली कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की टीमों के साथ ये जवान जाते हैं। बिजली वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक रामपाल सिरसाठे ने कहा, गंजबसोदा संभाग में उपभोक्ताओं से 1.08 अरब रुपए वसूलना है, जिसमें से 1.81 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। वसूली के दौरान कई जगह विवाद की स्थिति बनती थी। इस बार सुरक्षा की दृष्टि को लेकर एसएएफ के 2 गनमैन मिले हैं जो वसूली टीम के साथ अलग अलग दिन जाते हैं। छतरपुर में माफियाओं पर कार्रवाई के तहत 2 जगह सरकारी जमीन पर बनी बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की इन जमीनों पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसको लेकर प्रशासन के पास कई दिनों से शिकायत आ रही थी। छतरपुर में प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत 2 जगहों पर कार्यवाही की और अवैध रूप से बनाई जा रही बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। पहली कार्रवाई महाराज कॉलेज के तिगड्डे पर सरकारी जमीन पर बनी 2 मंजिला बिल्डिंग पर की गई, जिसको जेसीबी मशीन की मदद से गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि करोड़ रुपए की इस जमीन को जालसाजी करके बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने गिरा दिया। दूसरी कार्रवाई प्रशासन ने सटाई रोड पर बनी मंडी में की, जहाँ अतिक्रमण करके अवैध दुकानों का निर्माण किया गया था। अवैध दुकानों को हटाने के लिए मंडी सचिव काफी समय से प्रयास कर रहे थे। प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए दुकानों को तोड़ दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। एंटी माफिया का जो इस तरह से अभियान चल रहा है, ये जितेंद्र जैन के द्वारा जो अनावश्यक रूप से जो है मंडी गेट के सामने अतिक्रमण करके रखा था, इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय तक जो है इस मैटर को लेकर गए और माननीय उच्च न्यायालय से के में इनके विरुद्ध जो फैसला हुआ है, और ये जो है सिविल जुडिशरी में भी गए थे,
यहाँ पर भी इनके विरुद्ध जो है फैसला हुआ था और उसी के परिपालन में जो है आज ये कार्रवाई। पीएचडी में दाखिले को लेकर परेशान छात्र यूनिवर्सिटी परिसर की पानी की टंकी पर चढ़ गया। छात्र का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, उसका नाम लिस्ट में 10वें नंबर पर है, उसे एडमिशन न देकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसके नीचे नंबर वालों को एडमिशन दे दिया है। भोपाल बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन न होने से दुखी होकर परिसर में पानी की टंकी पर छात्र पंकज चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे नीचे उतारने को कहा। जब उससे पूछा गया कि वो टंकी पर क्यों चढ़ा है तो उसने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है लेकिन नाम वेटिंग में है। छात्र का आरोप है कि उसका नाम लिस्ट में 10वें नंबर पर है पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसके नीचे नंबर वालों को एडमिशन दे दिया है। खैर, पुलिस ने समझाइश देकर छात्र पंकज को सकुशल नीचे उतार लिया। टीकमगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। इस दौरान एक गाड़ी से 18 पेटी अवैध शराब जब्त की गई जिसकी कीमत 87,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। टीकमगढ़ में खरगापुर कुडीला पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। प्रशासन ने यह कार्रवाई अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत की। पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सजानिया के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चिंगुवा मेले के पास एक बलेरो से 18 पेटी शराब की जब्त की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिनांक 20/1/2020 को रात के लगभग 11:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक बलेरो गाड़ी में दो साइड शराब लेकर आ रहे हैं। मुखबिर सूचना पर रेड कार्रवाई की तो चिनगुआ रेलवे ब्रिज के नीचे हम लोगों ने एम्बुश लगाया। सामने से एक गाड़ी है जिसको हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया लेकिन वो ना रुकते, वो गाड़ी भाग कर ले गए। उसका हम लोगों ने पीछा किया तो चिनगुआ एक मेल लगता है खरी माता मंदिर के पास में, तो वहाँ पर एक गड्ढे के पास वो लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके अनलॉक करके वहाँ से भाग गए। हम लोग मौके पहुँचे, गाड़ी वगैरह चेक किया तो उसमें 18 पेटी हमको शराब की मिली है, कीमत करीब 87,000 है और एक बुलेरो गाड़ी भी है जिसकी लगभग 4,00,000 है। इस तरह से कुल 5,00,000 के समथिंग मसलूक हम लोगों ने जब्त किया है। छिंदवाड़ा के आदिवासी इलाके दमुआ में एक महुआ के पेड़ को लेकर अफवाह फैल रही है कि महुआ के इस पेड़ पर या उसके पास जमीन पर हाथ रखें तो हाथ अपने आप आगे खिसक जाए तो आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस फिर क्या था, इस पेड़ के पास लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई है। छिंदवाड़ा के परसिया में ग्राम दमुआ के इस महुआ के पेड़ तक लोग पहुंचने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये अफवाह चल रही है कि महुआ का ये पेड़ आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। इस पेड़ के नीचे या पेड़ के तने पर हाथ रखें तो विद्युत जैसी तरंगों के कारण हाथ आगे खिसकने लगता है। जिसका भी हाथ आगे खिसकने लगे वो मान ले कि उसकी मनोकामना पूरी होने वाली है, उसके दुख दर्द पूरे होने वाले हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है और लोगों का इस पेड़ तक पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ग्राम दमुआ के बीच नजदीक में महुआ के पेड़ पे शिव शंकर भोलेनाथ प्रकट हुआ। दूर दराज से आए आदमी लोग छूने से ही हाथ धीरे धीरे सरक रहा, परेशानी हट रहा। परेशानी हटाने के लिए आते। कौन सा पेड़ है? महुआ का। कोई भी परेशानी दुख है जो भी परेशानी था, परेशानी दूर कैसे होती है? अब उसके पेड़ में हाथ रखे तो परेशानी हटे। इससे पहले ऐसा ही नजारा होशंगाबाद के जंगलों में देखने को मिला था। उसके बाद वन विभाग को लोगों के जंगल में आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी थी। दमुआ में भी पिछले कुछ दिनों से इस खबर के फैलने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्र छात्राएं यहाँ पहुँच कर अपने दुख दूर करने के जतन कर रहे हैं। इस पेड़ की लोग बाकायदा पूजा करते हैं और फिर अपनी हथेलियों को आजमाते हैं। लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। अपनी बेबाकी के लिए चर्चित अभिनेत्री कंगना रनौत ने निर्भया के दरिंदों को चौराहे पर फांसी देने की मांग की है। कंगना ने कहा है कि निर्भया के साथ दरिंदगी करने वाले चारों दोषियों को चुपचाप नहीं बल्कि सरेआम चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। इससे अपराधियों के मन में डर बैठेगा और सबक मिलेगा। अपनी फिल्म पंगा के एक प्रमोशन इवेंट में कंगना से पूछा गया कि निर्भया के दोषियों को फांसी देने में हो रही देरी पर आप क्या कहेंगी। इस पर अभिनेत्री ने कहा, यह बहुत दुखद है। सोचिए निर्भया के माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। आखिर वे गरीब लोग कब तक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट करते रहेंगे। यह कैसा समाज है।
इन दोषियों को तो भरे चौराहे पर फांसी देना चाहिए। ऐसे लोगों को माफी के सवाल पर कंगना ने कहा कि जो माफी की बात करते हैं वो खुद बलात्कारी पैदा करते हैं। उस लेडी को उन लड़कों के साथ 4 दिन जेल में रखो, उनको रखना चाहिए, उसको जरूरत है। कैसी ऐसी औरतें होती हैं जिनको बड़ी दया आती है, और ऐसी ही औरतों की कोख से ऐसे निकलते हैं दैशी दरिंदे। ये भी किसी की कोख से ही निकले हैं, उन्हीं की कोख ऐसी होती है जो ऐसा सोचती है, जिनको सिंपैथी आती है, प्यार आता है इन पे, दैशियों पे, खूनियों पे। निर्भया केस के चारों दोषियों विनय शर्मा, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और अक्षय सिंह के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो चुका है, लेकिन तय नहीं है कि उन्हें दिए गए समय पर फांसी होगी या नहीं, क्योंकि दोषियों के वकील अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक याचिकाएं दायर कर देरी कर रहे हैं। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 जनवरी को फांसी की तारीख तय की थी, लेकिन मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने के कारण आदेश का पालन नहीं हो सका। ऐसे में कंगना रनौत के बयान से निर्भया की मां आशा देवी की उस मांग को बल मिला है जिसमें उन्होंने कहा था कि चारों दोषियों को 1 फरवरी को एक साथ फांसी दी जाना चाहिए। निर्भया की मां का कहना है कि वे 7 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक अदालतों में जो कुछ हुआ है उससे तो उन्हें लगता रहा है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।